हाय फ्रेंड्स आपण मानको मो चैनल को स्वागत करछि। फ्रेंड्स देखंथ आपणकर जो डिप्लोमा एडमिशन रो फेज 1 फेज 2 सब सरी आछि, जो पिला माने एडमिशन कर पार नांथि बा कोनसी कारण रो सीट पाई पार नांथि से माने स्पॉट एडमिशन कर परबे। देखंथ स्पॉट एडमिशन रो सब डिटेल्स आछि जेछि स्पॉट एडमिशन रे को माने आवेदन कर परिबे, आवेदन कर पार माने प्रोसेस एलिजिबिलिटी कोन कोन सब रहउछि, तार डेट कोन रहउछि, एडमिशन रो डेट कोन रहउछि, सब डिटेल्स मो वीडियो माध्यम रे कहि देबे। जो माने इंटरेस्टेड कैंडिडेट अछन्ति वीडियो शेष पर्यटन देखो, कारण मुझे सब डिटेल्स ये गोटे भिडियो हम आपको कहीदेवी। आज जब इनफर्मेशन टे भल लगे तो भिडटे लाइक करदे और चैनल टू सब्सक्राइब करदे। फ्रेंड्स देखते आपंकर जो फेज 1 फेज 2 रे जहाँ भी एडमिशन है, जो सीट किसी बढ़ीगला तार उपर स्पॉट एडमिशन आपर हम ताको रजिस्ट्रेशन करवाई पड़ो। देखो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने चाहते फ्रेशर पे देखंतु आपण प्रथम सेमिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर रे आवेदन करया पई हो बा थर्ड सेमिस्टर लैटरल एंट्री रे आपण आवेदन करया पई हो, जो माने भी माने आगुर आवेदन करनाते से माने रजिस्ट्रेशन करिवे। देखंतु 29 नवंबर रु 3 डिसेंबर पर्यंत करि परिबे। थर्ड सेमिस्टर पिला माने होंतु बा फर्स्ट सेमिस्टर पिला माने होंतु, जो सेमिस्टर आपण एडमिशन नबा पई चाहछथि आपणक रजिस्ट्रेशन 29 नवंबर रु 3 डिसेंबर पर्यंत हबो। देखंतु तापरे रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टैगिंग एंड फाउंडेशन, जो मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करने चाहते से मैंने रिपोर्टिंग डेट टी देखते से मैंने जाकि कलेज रिपोर्टिंग करेंगे, कलेज टी टैगिंग हम वैलिडेशन हम से जो गवर्नमेंट कलेज चाहते से गवर्नमेंट कलेज करेंगे। तार डेट टी देखते 4 डिसेंबर रु 5 डिसेंबर दिन दीपर 12 भितर ही आपको करवाई पड़ो। लैटरल पिला हूँ बा फ्रेशर पिला हूँ 4 डिसेंबर रु 5 डिसेंबर दिन 12 5 तारीख दिन 12 पूर्व आपको करवाई पड़ो। तापर कर सारापर देखो 3 नंबर आपंकर रोच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मानी केवल पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, आपन जितेबाला दिन 12 भितर आपन टैगिंग एवं वैलिडेशन आपन कर देबे से दिन पुणी माने 12 गोटे 30 रे आपंकर मेरिट लिस्ट आसीजिबो। मेरिट लिस्ट आसी सारापर आपन माने एडमिशन कर परबे। देखो 4 नंबर देछि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग एंड सिस्टम बेस्ड अलॉटमेंट ऑफ ब्रांच ऑन मेरिट, से दिन से गोटे 30 पर आपंकर मेरिट लिस्ट आस सारापर आपंकर काउनसिलिंग आपको सीट ब्रांच एवं आडमिशन सबकि आपदिन हीपर। देखते प्राइवेट पिला 5 नंबर देखते प्राइवेट पिला मैंने जो रोचे जो प्राय इंस्टीट्यूट से मैंने कलेज टैगिंग हम आडमिशन सब डिटेल्स हम से 4 रु 5 तारीख भितर जी जो कलेज चाहूँ जाए प्राइवेट कलेज से जोजोग कर आपको बेटर हम आप जो कलेज चाहते आप डायरेक्ट जाए से कलेज करूँ सी सबकि मैंने प्रोसेस से करदे आपको कौन से भी किसी भी प्रोसेस करने पड़े ना। एवं आपंकर टैगिंग रोज प्राइवेट कलेज मैंने पाला प्राइवेट कलेज आपर जो मैंने भी फर्म पकई ना आपले से सबकि फिलअप करदे से सबकि वैलिडेशन सिलेक्शन सबकि करदे कि प्राइवेट कलेज फीस बहुत किसी अधिक रोचे। देखते ये तरह सब टाइम लाइन जो मैंने गवर्नमेंट करेंगे और प्राइवेट करेंगे। आ सब इंपोर्टां कथ अच्छे जो मैंने करें एलिजिबिलिटी कौन रोचे मैंने कौ कौ पिला मैंने आवेदन करेंगे, समस्ते तो आवेदन करें कौ कौ मैंने आवेदन करेंगे ता विषय में डिटेल्स कहीदे आप देखते जो पिला मैंने या पूर्वर आवेदन करते से तो देखते ये देती सार पॉइंट गुड़ाक सब देती प्रथम देती फ्रेश एलिजिबल रजिस्टर्ड एप्लिकेंट, जो मैंने केवे भी आवेदन करना ना फेज 1 ना फेज 2 कौन भी आवेदन करना नुआ कर स्पॉट एडमिशन करा को चाहते से मैंने करें। द्वितीय पॉइंट देखो रजिस्टर्ड बट नॉट वैलिडेटेड इन द अर्लियर फेज, आपण मैंने रजिस्ट्रेशन जो मैंने करेंगे कितु तक आप्लिकेसन टी कौन हो वैलिडेशन हो न कौन से कारण से वैलिडेशन से स्पॉट एडमिशन कैटेगरी से भाग नहीं पारे। तापर तृतीय देखते आप तृतीय जो पॉइंट रोचे तृतीय पॉइंट आपर ये देखते तृतीय पॉइंट आपर जो रोचे वैलिडेटेड बट नॉट फिल्ड चॉइस इन द अर्लियर फेज, से एप्लीकेशन वैलिडेशन हो मैंने कितु मैंने चॉइस फाइलिंग कौन सी कारण चॉइस फाइलिंग दे पार नहीं पूर्व फेज 1 रो बा फेज 2 रो से एलिजिबल हो स्पॉट एडमिशन करने। चतुर्थ देखते फाइल्ड चॉइस बट नॉट अलॉटेड सीट इन द अर्लियर फेज, आपंकर सब होती है आप चॉइस फिलिंग करेंगे सबकि करेंगे कि आपको कौन कारण कौन प्रकार सीट भी आपको मिलना आपन एलिजिबल हे। तापर जो मैंने फी डिपोजिट करते अर्लियर फेज से एलिजिबल हे, जो मैं सीट अलॉटेड होता है रिपोर्टेड करना से एलिजिबल हे।